आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नोडल अधिकारी व मंडलायुक्त ने शुक्रवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचालित कोविड की L3 फैसिलिटी की स्थिति, आउटसोर्सिंग से उपलब्ध मैन पावर, ऑक्सीजन की उपलब्धता सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा, पोस्ट ओपीडी खोलने के दिए निर्देश, कहा ब्लैक फंगस से निपटने के लिए रहे तैयार। नगर आयुक्त के औचक निरीक्षण पर खुला सुपरवाइजर का खेल, वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं पाए जाने एवं कार्य में लापरवाही पर सुपरवाइजर विवेक कुमार को किया सस्पेंड, नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी। मंडलायुक्त और कोविड-19 के नोडल अधिकारी जयंत नार्लिकर के निर्देश पर अति कुपोषित बच्चों के माता पिता को कराया जाएगा कोरोना का टीकाकरण, सीएमओ और कमिश्नर ने कहा 45 साल से ऊपर के अभिभावकों का प्राथमिकता के आधार पर होगा वैक्सीनेशन। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से गुजर रहे पटरी व्यवसायियों, ठेला, खुमचा, रेहड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में नाई धोबी सहित गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रदेश की योगी सरकार देगी 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता, डीपीआरओ ने दी जानकारी। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर राजकीय रेलवे पुलिस कार्यालय पर जवानों को दिलाया गया शपथ, सीओ रेलवे ने कहा आतंकवाद के प्रति सजग रहते हुए अपने कर्तव्यों का करें निर्वहन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, कहा युवा उनके दिखाए मार्ग पर चलकर करे देश का नाम रोशन। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 294 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 56,595, अब तक 607 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 4,590 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में कैंच पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, लोगों से की अपील, कहा बहुत आवश्यकता पर ही निकले घर से बाहर, अनावश्यक निकलने पर वाहनों का किया जाएगा चालान, वसूला जाएगा जुर्माना। प्रदेश के नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों को पहली बार वर्चुअल शपथ ग्रहण की तैयारी, डीपीआरओ ने कहा शासन से निर्देश आने पर होगा शपथ ग्रहण। प्री मानसून की झमाझम बारिश में शहर के नालों के सफाई अभियान का नहीं दिखा असर, नगर आयुक्त ने कहा जल निकासी के लिए लगाए गए हैं पंप सेट, चल रहा है फॉगिंग एवं सैनिटाइजेशन अभियान। आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर जिले के थानों व पुलिस लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दिलाया गया आतंक विरोधी शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, दी श्रद्धांजलि। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर किया गया 15,506 लोगों का वैक्सीनेशन, 45 साल से ऊपर के 9,189 तथा 18 साल से ऊपर के 6,317 लोगों ने कराया टीकाकरण, सीएमओ ने कहा कराए वैक्सीनेशन, रहे सुरक्षित। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल के मरीजों में मास्क, सैनिटाइजर तथा खाद्य सामग्री का किया वितरण, कहा कोरोना की लड़ाई में जरूरतमंदों की करें मदद। शासन के निर्देश पर लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का शुक्रवार को भी पुलिस ने कराया पालन, अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर की गई कार्रवाई, एसपी सिटी ने कहा जनता करे कर्फ्यू का पालन जिससे लग सके कोरोना संक्रमण पर लगाम। और चक्रवाती तूफान ताउते का शुक्रवार को भी देखने को मिला असर, एडीएम फाइनेंस ने कहा कहीं से नहीं प्राप्त हुई कोई जनहानि की सूचना।